इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज 200 किसान जंतर मंतर पर 300 मिनट तक बैठे। उनका इरादा था, उनका दावा था कि यहां से हम अपनी बात संसद तक पहुंचाएंगे। लेकिन किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा गूंजा एक शब्द भी मवाली। इस शब्द से अचानक पूरे किसान आंदोलन को के मंच को उसने कैसे एक्टिव कर दिया, मोदी के मंत्री ने किसको मवाली कह दिया, फिर कांग्रेस कैसे पिक्चर में आ गई, उसका पूरा पॉलिटिकल डायमेंशन समझते हैं इस रिपोर्ट से। देखिए किसान आंदोलन का संसद प्लान। अनाज हम कहां से बेचेंगे, यहां से 50 किलोमीटर दूर। यहां पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। जंतर मंतर पर किसान लीडरान है। पार्लियामेंट में सांसद साहिबान है। ये सरकार के खिलाफ दोहरी संसदीय मोर्चा बंदी है जिसमें एंटी मोदी गैंग का तालमेल है और सो कॉल्ड आंदोलनजीवियों का घालमेल है। तालमेल और घालमेल की इस कथा को समझना है तो आपको फ्लैशबैक में चलना होगा, ठीक 10 साल पीछे चलना होगा। जंतर मंतर से शुरू हुए अन्ना के आंदोलन को याद करना होगा। वही जंतर मंतर है, वैसे ही आंदोलनजीवी है। इस पूरे नैरेटिव को ही आगे डिकोड करेंगे, मगर पहले किसान नेता राकेश टिकैत की किसान संसद से सांसदों को दी गई चेतावनी सुनी। हमने ये मान लिया कि जो दिल्ली के बॉर्डर में बैठा रहा वो किसान है, जब इन्होंने परमिशन दी तो एक तो रिपोर्ट होगी कि हम किसान हैं, दूसरा ये होगा कि किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है। किसान भी यहाँ पर जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। आपकी संसद के साथ साथ संसद में भी हंगामा है, हंगामा होगा। देखो जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है तो वहाँ पे जो लोग बैठे वही आवाज उठाएंगे, यहाँ से आवाज जाएगी, आवाज उठाएंगे जो पार्लियामेंट में वही आवाज उठाएगा। अच्छा तो आपकी आवाज अब पहुँच जाएगी ऐसा आपको लग रहा है? हाँ लगे कुछ पहुँच जाएगी। 100 मीटर तो रहेगा संसद भवन, 100 मीटर है बॉर्डर पे उठेगी, यहाँ से उठेगी। यूं तो ये पूरी पॉलिटिकल जमात को चेतावनी है, मगर इसका असल निशाना यूपी है। यूपी की योगी सरकार है, टिकैत की जड़ें भी पश्चिमी यूपी की है। हमारी बात पर यकीन न हो तो आप टिकैत का सीधे यूपी से जुड़ा बयान सुन लीजिए। आप कह रहे थे किसानों का समाधान दिल्ली की संसद से ही निकलेगा, अब इलाज होगा हमारा वहाँ पे, बड़ा हॉस्पिटल है ना वहाँ पे, किसानों का अस्पताल है पार्लियामेंट, तो हमारा इलाज तो पार्लियामेंट में होगा और सरकार का इलाज गांव में होगा। ये जब गांव में जाएंगे तो इनका इलाज होगा, वहाँ पक्का इलाज करेंगे इनका। क्या यूपी इलेक्शन में भी आप जोरों शोरों से अगर कोई समाधान उस दौरान नहीं निकलता है तो ये मुद्दा वहाँ तक भी पहुँचेगा? अच्छा और क्या करेंगे भाई, ये तो जाकर उनको जो टेबलेट देनी पड़ेगी जिससे उनको आराम होगा तो देनी पड़ेगी ना दवाई, और ठंडे पानी के साथ में पियानी पड़ेगा, उनको आराम मिलेगा उनसे। आइए अब जंतर मंतर से महज 2 किलोमीटर दूर देश की सबसे बड़ी पंचायत का रुख करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस किसानों की हमदर्द बनकर खड़ी थी, दूसरी ओर अकाली दल और बीएसपी की जोड़ी भी किसानों के लिए नारेबाजी कर रही थी। आज किसान पिछले 8 महीने से दिल्ली के बाहर बैठे हुए अपनी मांगे मंगवाने के लिए, ये सरकार ने एक बारी अपना नुमाइंदा तक वहाँ पे नहीं भेजा बातचीत के लिए। हर बारी कहते हैं कानून वापस नहीं होंगे, बात करो भाई। जब किसान 8 महीने से बैठे इस करके कि वापस करिए, तो जब आप उसमें ये कैवियट ही लगा रहे हैं कि वापस नहीं होंगे तो वो आपसे क्या बात करें, आपका हालचाल तो पूछना नहीं उन्होंने। सो ये किसान विरोधी सरकार है, अन्नदाता का शरेआम अपमान कर रही है,
और इस अपमान का बदला किसान तो लेंगे ही। जे इनको सिर्फ राजनीति समझ आती है तो फिर राजनीति ही होगी, जब जहां जाएंगे किसानों को बताएंगे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। अकालियों के पास तो कहने के लिए कुछ था भी, मगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के पास कुछ था भी नहीं। मगर थोड़ी ही देर बाद हाल ही में विदेश राज्य मंत्री बनी मीनाक्षी लेखी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका थमा दिया। पहले मीनाक्षी लेखी का बयान सुनिए। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो, इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ये आपराधिक गतिविधियां हैं, और जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था, आपराधिक गतिविधियां थी और उसमें विपक्ष द्वारा ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया। मीनाक्षी लेखी ने जो कहा उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तत्काल मौका देखकर चौका मारा और ट्वीट किया, गाली जीवी मोदी सरकार, अब हम अन्नदाता मवाली हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और फिर इसे ही लेकर हुआ हुआ का शोर मच गया। ये लोग जो किसान का पैदा किया हुआ खाते हैं और उसको मवाली कहते हैं, तो मैं समझता हूँ वो मैडम लेखी इंसान तो है ही नहीं, वो जानवर है। जानवर भी उड़ारी मारता है, कहीं से कुछ ना कुछ खा लेता है, तो वो फिर जानवरों की तरह खाए। लेकिन इतना घटिया शब्दावली जो इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ नफरत बढ़ रही है लोगों के। हाँ, निंदा प्रस्ताव के राग महिला है, क्या निंदा प्रस्ताव करें यहाँ पर, करा के जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। मवाली नहीं किसान है, ये देश का अन्नदाता है। 8 महीने से बैठे हैं, 600 किसान शहादत दे चुके हैं और सुबह से लेखी जी भोजन करके आती, हमारा पैदा किया हुआ। अगर वो वाकई में हम मवाली हैं तो भोजन करना छोड़ दें, उनको शर्म आनी चाहिए। आइए अब इस किसान आंदोलन की क्रोनोलॉजी समझिए। इसे अब तक का सबसे लंबा खिंचा किसान आंदोलन कह सकते हैं, जो अब 9 महीने में दिल्ली के बॉर्डर से बढ़कर सियासत के जंतर मंतर तक पहुंच गया है। फिर समझाते हैं कि आखिर इसे इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। किसान कानून है 3, किसान संगठन है 40, महीने होने जा रहे हैं 9, सरकार से किसानों की बातचीत के अब तक 11 राउंड चले, बातचीत का नतीजा रहा 0, सरकार ने कानून को 18 महीने के लिए सस्पेंड किया। सरकार का अब तक का हर प्रयास बेकार गया, संयुक्त किसान मोर्चा ने हर प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके लिए अंग्रेजी में एक जुमला है, माय वे या हाईवे, हमारी बात मानो या फिर अपना रास्ता देखो। हाल ही में पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी नेता शरद पवार ने भी कहा था, किसान आंदोलन के सारे प्रावधान नकारने लायक नहीं है, पूरे बिल को खारिज कर देने की बजाय हम उस भाग में संशोधन कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है। वहीं सरकार आज भी उतनी ही विनम्रता से आंदोलन जीवियों को अन्नदाता मानकर उनसे बातचीत को तैयार है। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद है, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहाँ तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है, बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। तो अब फिर उसी सवाल पर लौटते हैं कि आखिर ये किसान आंदोलन इतना लंबा खिंच क्यों रहा है, बीच का कोई रास्ता क्यों नहीं निकलता, कंधों पर झंडे लिए किसान लंगर जीम कर क्यों जमे हुए। यूपी और
पंजाब में चुनाव है तो जंतर मंतर पर तनाव है। बंगाल, असम और केरल तमिलनाडु के चुनाव के दौरान ये आंदोलन अचानक तेज हो गया और फिर सो गया, और अब यूपी और पंजाब के चुनाव के दौरान भी ये आंदोलन एकदम से जागा है। हैरानी की बात यह है कि जब राकेश टिकैत यूपी चुनाव की बात करते हैं तो सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वहीं जब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब चुनाव की बात की तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और आंदोलन का मकसद सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।